और बात दिल्ली के बच्चों के अच्छे दिन कब आएंगे। सभी टीचर आते हैं क्या? सर सभी टीचर नहीं आते। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली के बच्चों के अच्छे दिन कब आएंगे। आज न्यूज एक्सप्रेस पर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हकीकत देखेंगे। ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, वो दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों की तरफ कब देखेंगे। न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पड़ताल और परेशान करने वाली सच्चाई आपके सामने रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, राजधानी के स्कूलों का हाल देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, स्कूलों में बच्चों की हालत देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके दिल्ली में कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी जी, 7 RCR से कुछ किलोमीटर दूर इन स्कूलों को देखा है आपने। न्यूज एक्सप्रेस पर देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हकीकत। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीन की छत, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कूड़े करकट के पास क्लास चलती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर हाजिरी लगाकर गायब रहते हैं। बच्चा बाहर आकर आपको पढ़ाते हैं? ये टीचर आपको पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते नहीं, पढ़ाते कुछ नहीं, आता नहीं, आता नहीं, पढ़ाते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ मजाक क्यों? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों? देश के अच्छे दिन का वादा करने वाले मोदी जी, दिल्ली के बच्चों के अच्छे दिन कब आएंगे? कब बदलेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात? कब उज्जवल होगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य? तो न्यूज एक्सप्रेस पर आज आप देखेंगे देश की राजधानी दिल्ली के वो सरकारी स्कूल्स जहां हर रोज हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां की हालत भगवान भरोसे ही है। स्कूलों में गंदगी का अंबार लगा है, न पीने का पानी आता है और न ही स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं ही हैं। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी की यह रिपोर्ट देखिए। इस बोर्ड को गौर से देखिए, इस पर लिखा है महामना माध्यमिक विद्यालय। ये स्कूल जगतपुरी में है। इस बोर्ड पर यह भी लिखा है दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिग्रहित, यानी ये स्कूल दिल्ली सरकार चलाती है। लेकिन इस स्कूल की हालत देखकर आपको यहां पढ़ने वाले बच्चों पर बहुत तरस आएगा। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। आप इस बिल्डिंग को देख के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वाकई एक सरकारी स्कूल है। आपको इसके हम अंदर ले चलेंगे और आप इसको इसका एक एक पहलू देखिए कि किस तरह से जो राजधानी में सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस रूम में आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल का रूम है, किस कंडीशन में है। जाहिर से तौर पे इसमें प्रिंसिपल बैठते हैं और जो इनके स्टाफ के लोग हैं वो बैठते हैं। इसकी दरो दीवार पे नज़र डाल के आप इसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं यहाँ से जो बच्चों की पढ़ाई होती है उन रूम्स में। आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन का इलाका है। स्थानीय नेता भी बीजेपी के और देश में सरकार भी बीजेपी की, और डॉक्टर हर्षवर्धन तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर क्या उन्हें अपने ही इलाके के बच्चों की फिक्र नहीं है?
इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, अंदर क्लास चल रही है और इसके ठीक बाहर कूड़ा जमा है। क्लासरूम के बाहर एक नहीं दो दो बड़े कूड़े से भरे हुए डस्टबिन रखे हैं। सर जी जब बारिश होती है वहाँ से पानी टपकता है। अच्छा। सर जी बैठने में दिक्कत होती है, सीट भी सही नहीं है। अब स्कूल की इन तस्वीरों को देखिए, दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं, न जाने किसने स्कूल के अंदर दीवारों पर पान भी थूक रखा है। हैरानी हुई, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे भी स्कूल हैं। अब आपको हम ले चलते हैं 8वीं क्लास के बच्चे जहां पे पढ़ाई करते हैं, आप उसकी कंडीशन देख सकते हैं। जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं बच्चे जरूर इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी दरो दीवार किस हाल में है वो आप देख सकते हैं। चाचा नेहरू का फोटो जरूर यहाँ पे लगा है, लेकिन चाचा नेहरू भी देश के इन नौनिहालों की ये हालत देखते तो शायद शर्मसार हो जाते। देख सकते हैं कि सीलन भरा ये पूरा दीवार है, और ऐसे में माना जा सकता है कि अगर इसी तरह का माहौल रहा और इसी कंडीशन में बच्चों की पढ़ाई होती रही तो इनकी तबीयत पे भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि बाकी जो क्लास हैं वो किस तरह से हैं। कभी कभी जो टीचर्स हैं वो कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो कंपाउंड है वो देख के आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभी जब बारिश तेज हो जाए या हल्का मौसम रहे तो बच्चों को बाहर भी पढ़ाई करवाया जाता है। इसके अलावा पानी की यहाँ पे व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन हमने खुद चख कर देखा है ये पानी पीने लायक तक नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि कानूनी अड़चनों के चलते इसका विकास नहीं हो पा रहा। इसकी वजह है जी, कंट्रोवर्सी चल रहा है, ऊपर वालों ने केस डाल रखा है। आशा मैडम यहाँ जो हमारे HM थे पहले, उनकी मिसिज थी, और उन्होंने एक केस डाल रखा है बिल्डिंग का, और उस केस की वजह से सरकार कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन इलाके के लोगों की माने तो 20 साल से भी ज्यादा वक्त से स्कूल का यही हाल है। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ पहले से 5वीं तक। जो हालात आज से 25 साल पहले जिस हालात में मैंने स्कूल को छोड़ा था, आज वैसा के वैसे ही हालात इस स्कूल के हैं। और देखते देखते हमने दिल्ली को सवरते हुए देख लिया, दिल्ली को सुंदर बनते देख लिया, पूरी दिल्ली के अच्छे दिन आ गए, लेकिन इस स्कूल के अच्छे दिन कब आएंगे मुझे नहीं मालूम। 20 साल यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन विधायक रहे हैं, आज वो हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, तो हम और एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं वो। लेकिन अगर कुछ अगर स्कूल को बनवा नहीं सकता, अगर कोर्ट केस का बहाना भी है, तो कम से कम इन 100 बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में भेजकर भी इन बच्चों के अच्छे दिन ला सकते हैं। दिल्ली को देखते हुए इस स्कूल पर दया आती है, जैसे कि हम लोकल रहने वाले हैं यहाँ पर, और आज हम स्कूल में आए तो पता चला है यहाँ पर जो ना तो टीचर आते हैं टाइम पर, आज 7 में से 3 टीचर एबसेंट हैं। पता चला है कि यहाँ पर हाजिरियाँ अगले दिन आकर लगा लेते हैं, क्योंकि वे टीचर अधिकारियों से मिले हुए हैं, यहाँ पे इनको प्रेशर में रखते हैं बाकी टीचरों को। इसी सवाल के साथ कि आखिर स्कूल में टीचर्स कितना आते हैं, न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी सीधे बच्चों के पास इस सच को जानने गए, उनसे भी यही सुनने को मिला। यहाँ पे टीचर सर 8-9 है। अच्छा, सभी टीचर आते हैं क्या? सर सभी टीचर नहीं आते। वजह? सर पता नहीं। इंग्लिश के टीचर जो हैं आपके कौन हैं? सुनील बंसल। अच्छा, वो आते हैं? वो कभी कभार ही आते हैं। नहीं होती, टीचर्स कभी कभार आते हैं। बच्चों से जवाब मिला, टीचर्स नहीं आते। फिर हमारे रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी ने अटेंडेंस रजिस्टर की पड़ताल की। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में बने इस सरकारी स्कूल में आपको बता दें कि लगभग 60 टीचर हैं, लेकिन कुछ ही टीचर नजर आएंगे। उसकी वानगी के लिए आपको हम तस्दीक के लिए दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनके नाम हैं, लेकिन हाजिरी कुछ ही लोगों का आज भी लगा है। जो हमारे सोर्स हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि अगले दिन आके आज की हाजिरी वो मेंटेन कर लेते हैं, और इस तरह से उनके कागज़ मेंटेन ज़रूर रहते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य पे कोई ध्यान नहीं रखता। एक यहीं के लोकल सख्त हमारे साथ हैं, आप बताइए कि यहाँ पे टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और हाजिरी तो यहाँ मेंटेन है? जिस प्रकार से हाजिरी के रजिस्टर दिखाई दे रहा है तो हमको लगता है कि यहाँ टीचर नाम के लिए अपनी हाजिरी भर कर जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का जो भविष्य खराब कर रहे हैं इसके जिम्मेदार टीचर हैं या प्रशासन है। यहाँ का आके कभी यहाँ की इंक्वायरी नहीं करता। जैसे बच्चों ने बताया कि हमारे कोई इंग्लिश का टीचर नहीं आता, 2 टीचर वो लीलावती और ये बताए गए हैं ये भी नहीं आते हमारे यहाँ। हैरानी हुई, ये शिक्षक पैसा तो सरकार से लेते हैं लेकिन उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। हम जानना चाहते थे कि आखिर वो टीचर्स कौन हैं जो स्कूल ही नहीं आते। ऐसे में स्कूल के बाहर हमारी उस टीचर से मुलाकात हो गई जिनके लिए बच्चों ने कहा था कि वो स्कूल बहुत कम आते हैं।
कैमरा देखकर आखिर वो कैसे भड़क गए। अच्छा ठीक है, बंद कीजिए। और कैसे हमारे रिपोर्टर को ही नसीहत देने लगे, ये हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। अच्छा ठीक है, बंद कीजिए। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली के जगतपुरी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर हमको स्कूल के बाहर मिल गए, जिनको देखा आपने। इन टीचर के लिए बच्चों ने कहा था कि वो स्कूल बहुत कमाते हैं। जब उनसे हमने ये सवाल किया तो वो बेफर पड़े। देखिए आखिर स्कूल के बाहर क्या कुछ हुआ। ये है सुनील बंसल, जगतपुरी के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनसे जब सवाल किया गया तो देखिए किस तरह भड़क गए, कैमरा बंद करने को कहने लगे। अरे सर कर दिया ना बंद, फिर नहीं कर रहे ना। बयान लिया है कि आप स्कूल में आते नहीं। ऐसा कौन कहता, बच्चों से बात की मैंने, आप आते नहीं, बस कौन सा चेक लेते हैं, आपके डिप्टी डायरेक्टर से लिंक है, पढ़ाते नहीं आप। तो सर अभी तक नहीं आया, सवेरे से स्कूल चल रहा है। दोपहर में इस बिल्डिंग पे केस चल रहा है। बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश के टीचर खासतौर पर नहीं आता सर, ये चीज़ आप मान लीजिए। नहीं नहीं, इंग्लिश के टीचर आप हैं, आप खासतौर पर नहीं आते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों की कंप्लेन है ये। ऐसा नहीं, आप बच्चों के भविष्य में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कायदा न्यूज कैसे कवर कर रहे हैं? आप सुनिए, दीदी की चिंता नहीं करते, उसमें बच्चों को नहीं पढ़ा। अच्छे लिंक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल है, आपके ड्यूटी बताओ कहाँ है, मतलब डेली क्यों नहीं आते हैं, ड्यूटी कहाँ है आप? नहीं आते हैं आप, डेली राउंड में, डेली राउंड आपकी खबर तो मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। दीदी से बात करें, आप हाजिरी लगाने आते हैं, आप पढ़ाते नहीं है बच्चों को, बस हाजिरी लगा के चले जाओ। बच्चों से पूछना, ठीक है, मैं देख ही लूंगा। ऐसा नहीं, मतलब आप नहीं, आप देख लीजिएगा क्या मतलब, इवन अदरवाइज ले रहे हो सर। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, आप बच्चों को हो रहा है, हल्की बात देखो, सरकार से फीस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, दो टीचर हो रहे हैं, वे भी नहीं आ रहे, उनकी भी हाजिरी लग रही है। सिर्फ आप ही नहीं है, तीन टीचर हैं टोटल, तीन के कंप्लेन है। आप भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं। आप फिर हेलमेट उठा के जा रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं अभी बच्चों को? हां मैं वापस लौट रहा हूं, एक बार बताओ आप ये, हम तो मैं कोर्ट जा रहा हूं, बहस करते रहे। कह दिया उन्हें कोर्ट केस के सिलसिले में जाना पड़ता है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाते। पर सवाल है कि आखिर एक टीचर का कोर्ट केस से क्या लेना देना। इसके बाद वो स्कूल के अंदर बच्चों के सामने भी आ गए। सुनिए बच्चों ने क्या कहा। आप टीचर हैं, कोर्ट आपको जा रहा है, आपका कोर्ट से क्या मतलब है? अंदर आओ, आप छोड़िए, अंदर आइए, अंदर आइए। बच्चा बाहर आ रहा है, यहाँ आपको पढ़ाते हैं ये बच्चे, ये टीचर आपको पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते, पूछो यहाँ आता हूँ, नहीं आता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। बच्चों को बहन को भेजना बात, और बच्चा बाहर आ रहा है, बच्चों के सामने बताओ, मत बच्चों के साथ, हम तुम्हारे साथ है, ये आते नहीं आते, आप हमारे बच्चे हो, आपको पैसे लेते हैं पढ़ाने के, मेरे नहीं पढ़ाते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, बच्चों को घूमने तो दो, आप तो जबरदस्ती डाल रहे हो, आप जबरदस्ती नहीं डाल रहे, बच्चों का भविष्य दिखा लेते। बच्चों से इस टीचर का आमना सामना हुआ, बच्चे कुछ बोल नहीं सके, शायद उन्हें डर था कि अगले दिन जब टीचर क्लासरूम में आएंगे तो शायद सच बोलने का बदला ना ले लें। लेकिन जिस तरह से शिक्षक ने क्लासरूम में आने में आनाकानी की, उसे ये तो जरूर लगता है कि शायद एक शिक्षक के तौर पर वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा रहे। लेकिन ये तो दिल्ली के एक स्कूल का हाल है, सोचिए देश भर में ऐसे न जाने कितने स्कूल हैं, क्या वहां भी टीचर्स ज्यादातर छुट्टी पर ही रहते हैं। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।
अब आपको दिल्ली के एक और सरकारी स्कूल का सच दिखाते हैं। आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के कैलाश नगर। यहां के सरकारी स्कूल में भी टीन की छत ही मिली। दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में बने इस सरकारी स्कूल को देखिए, यहां भी टीन की छत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भीषण गर्मी में यहां बच्चे तपती टीन के नीचे कैसे पढ़ाई करते होंगे। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं स्कूल में टीचर्स की कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड शिफ्ट का स्कूल है तो यहाँ पर टीचर आना कम पसंद करते हैं, तो हमारे यहाँ सेक्शन 5 है और टीचर 4 है, तो एक टीचर भी शॉर्टेज है। तो अगर हमें टीचर मिल जाए तो जो है यहाँ की समस्या दूर हो सकती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत देखकर हमारे रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी सीधे पूर्वी दिल्ली के मेयर के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा एक योजना है, उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये एक प्लान है कि अब कोई भी एमसीडी का स्कूल जो है वो टीन में नहीं चलेगा। उसके लिए जैसे जैसे हम टाइम दीजिए, हम हर एक जो भी जर्जर हालत में है बिल्डिंग वगैरह उनकी रिपेयरिंग करवाएंगे, या दोबारा बिल्डिंग को दोबारा बनाएंगे अगर ऐसी हालत में है कि वो बिल्कुल गिरने के हालत में है, जो उसे हम दोबारा बनवाएंगे, कुछ बिल्डिंग दोबारा बनवाएंगे। पर सवाल है कि आखिर स्कूलों की इमारतें बनेंगी कब। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। चल पर है।